हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पी गोयल एंड वेलकम टू दिस चैनल कॉल्ड ऑफिसर्स लाइफ। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जो शायद ही आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। मैं खुद फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ इसके बारे में। आप लोग ये तो मानते होंगे कि फॉरेस्ट या नेचर वॉक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के लाइफ स्टाइल डिसीजेज जो होने लगे हैं, डिप्रेशन, एनजाइटी। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि इंडिया में पहली बार बना है और वो है फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। तो अब हम अंदर चलते हैं और अब शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर के बारे में मैं आपको यहाँ के रेंज ऑफिसर आरपी जोशी से मिलवाने वाली हूँ, जो मैं यहाँ के बारे में सब कुछ बताएंगे, क्या एक्टिविटीज होती हैं, किस तरीके से हीलिंग प्रोसेस होता है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। तो ये है आरपी जोशी जी, जो यहाँ के रेंज ऑफिसर है, अब ये हमें पूरा बताने वाले हैं यहाँ के बारे में। तो जोशी जी नमस्ते। तो पहले बताइए कि ये कितना बड़ा दिख रहा है, ये है कितने एकड़ में? ये लगभग 5 एकड़ में, लगभग 13 एकड़ के 13 एकड़ आस पास है। तो यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ पाइन ट्री सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? ये है, इसे पाइन के बीच में ही इसको बनाया गया है। एक नई पद्धति का उपचार हुआ है जिसे वन उपचार के नाम से जाना जाता है। वो उपचार पाइन जंगल में ही किया जाता है और इस क्षेत्र के अंदर में 5 तरह की एक्टिविटीज रखी है, जैसे फॉरेस्ट वॉकिंग है, फॉरेस्ट हगिंग है, मेडिटेशन है, स्काई गेजिंग है और ये वॉकिंग है, नंगे पैर चलने वाला है। नंगे पैर चलने, ये आप जो देख सकते हैं ये सिर्फ इसलिए बना हुआ है ये घास, ताकि हम नंगे पैर चल सकें। हम धीरे धीरे सारे एक्टिविटीज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, करते हैं ट्री हगिंग। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लोग ट्री को हग कर रहे हैं। ये जो टेक्निक है, ये कुछ हम बोल सकते हैं कि जो जापानीज की फॉरेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक है जिसका नाम है शिरिन योकू, उस पे बेस्ड है। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम पाइन कोन्स को हग करते हैं तो इनमें एक ऑयल कंपाउंड रिलीज होता है जिसका नाम है फाइटोसाइट्स, और इनमें प्लस ऐसे कुछ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रीदिंग के वजह से हम हमारे बॉडी में जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि डोपामाइन हुआ या ऑक्सीटोसिन हुआ, वो इंक्रीज होता है। प्लस हमारे बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स हैं वो भी बढ़ते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और कैंसर सेल्स को फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो अब मैं भी करने वाली हूँ ये टेक्निक को ट्राई। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी फॉरेस्ट हगिंग टेक्निक। बताने वाली हूँ जो कि है फॉरेस्ट मेडिटेशन। तो हम सब जानते हैं कि आज के समय में योग का कितना इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में, स्पेशली जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इंटरनेशनलाइज किया है, कि अब पूरी दुनिया को पता है कि योग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे वेलबींग, मेंटल वेलबींग के लिए। तो अब हम करने वाले यहाँ पर फॉरेस्ट मेडिटेशन। मैं यहाँ पे आपको एक यहाँ की फिलॉसफी भी बताने वाली हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो आप यहाँ पे आएंगे तब शायद ज़्यादा फील कर सकते हैं, मेरे बोलने पे आपको उतना फील ना हो, पर इस जगह को देख के मैं खुद फील कर पा रही हूँ कि इतनी ब्यूटीफुल सी फिलॉसफी यहाँ की ये है। बी साइलेंट, गो स्लो, थिंक लेस एंड फील मोर। तो पता नहीं हम कितना ये कैप्चर कर पाएंगे, पर मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी फील हो रहा होगा कि आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो काफ़ी रिलैक्स हो रही हूँ उस प्लेस में आके। तो चलिए अब करते हैं हम फॉरेस्ट मेडिटेशन। Thank you.
चलते हैं स्काई गेजिंग की तरफ। चलिए अब हम करने वाले स्काई गेजिंग जो कि लास्ट एक्टिविटी है यहाँ की। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ऐसे बना हुआ है जहाँ पे हम ऊपर लेटते हैं और ऊपर लेट कर हम स्काई गेज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खुला खुला आसमान दिख रहा है जो कि आज के समय में बहुत मुश्किल है देख पाना, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि आपको शहरों में तो क्लियर स्काई देखने को मिलती ही नहीं है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हम कभी कभी रात को अपने छत में सोया करते थे, तारे देखा करते थे, पर आज के समय में ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, स्काई गेजिंग करते हैं। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप कभी भी रानीखेत आते हैं तो ये जरूर यहाँ पे आइएगा और इंजॉय करिएगा नेचर वॉक। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं कि ये जो चैनल बना है ये सिर्फ चैरिटी पर्पस के लिए बना है। ये पूरा इसका जो भी हम इसमें अर्न करते हैं अगर कुछ भी, तो ये पूरा चैरिटी में जाएगा। तो अगर आप घर बैठे चैरिटी करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।